सेमीफाइनल नंबर 2 किसके बीच में, समरसेट वर्सेस सरे के बीच में खेला जाएगा, उसको लेके हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। और दोस्तों मैं अब जो भी बातें बताऊंगा आपको साइड स्क्रीन पर दिखना स्टार्ट हो गया होगा। अब यहाँ पे अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेने होंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके आप सभी को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाना है, जहां पे आपको तकरीबन देखने को मिल जाएंगे अभी 97 के सब्सक्राइबर के आसपास। टेलीग्राम पे जैसे ही जुड़ोगे आपको एक बेहतरीन से डिपॉजिट ऑफर देखने को मिल जाएंगे विजयी भवा के ऊपर। अगर दोस्तों आप डिपॉजिट करते हो 999 रुपीज से लेके 20 लाख रुपीज के बीच में, समझ सकते हो, छोटे इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर, मीडियम इन्वेस्टर, सभी के लिए ये डिपॉजिट ऑफर है, तो आपको 8% की रियल कैश देखने को मिल जाएंगे। अगर आप दोस्तों मान के चलो बहुत जो हाई इन्वेस्टर हैं वो 20 लाख अगर डिपॉजिट करते हैं तो 1,60,000 रुपीज उसको डायरेक्ट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आपको कोड यूज कर लेने हैं July 8। इनकेस हमारे अगर कोई बड़े हाई इन्वेस्टर जो 10,000 से ऊपर की अमाउंट डिपॉजिट करते हैं कोड लगाना भूल जाते हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उनके अंदर रियल कैश जल्द से जल्द ऐड करवा दूंगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये, जो डिपॉजिट ऑफर है ना वो 2 times आप यूज कर सकते हो। मान लो कि आपने 10,000 रुपीज डिपॉजिट की, ठीक है, और उसके बाद आप उसको विन करके फिर से विड्रॉल कर लिए, फिर से आप डिपॉजिट कर सकते हो, तो इस ऑफर को आप 2 दफा यूटिलाइज कर सकते हो। अब अगर बात करें इसके साथ एक और आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे, वो क्या है, वो है डिपॉजिट लीडर बोर्ड में आप जो है अच्छा खासा प्राइस गेन कर सकते हो। अगर दोस्तों आप 23 जून से लेकर 23 जुलाई के बीच में डिपॉजिट करते हो 30 लाख रुपीज, आपको जो है आरी हंटर 350 मिल जाएंगे। अगर आप डिपॉजिट करते हो 25 लाख रुपीज आपको यमहा मिल जाएंगे। अगर आप डिपॉजिट करते हो 17 लाख रुपीज तो आपको जो है वो TVS एंटॉर्क मिल जाएंगे। मैं आपको इसको विन करने का एक पैंतरा भी बताया हूँ कि जीतते हो उसको विड्रॉल कर लो, फिर से डिपॉजिट कर लो, फिर से जीतो, फिर से विड्रॉल करो, फिर से डिपॉजिट करो, आपको रियल कैश भी मिल जाएंगे। और आपको जो है यहाँ पे जैसे ही आपका डिपॉजिट बढ़ता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आप विन विड्रॉल डिपॉजिट करके 17 लाख, 15 लाख, 12 लाख ऐसे करके आप डिपॉजिट आराम से कर लोगे। तो वहाँ पे 10 लाख पे है सैमसंग Flip 3 5G और 5 लाख के ऊपर है OnePlus 11R 5G, ये भी 50,000 के आसपास का फोन है। फिर 3 लाख सिर्फ अगर डिपॉजिट कर लेते हो तो OnePlus Nord CE है। उसके बाद अगर आप डिपॉजिट करते हो 1.5 लाख तो Samsung M33 5G है। अगर आप डिपॉजिट करते हो 80,000 मात्र, सिर्फ 80,000, एक बार में नहीं, आप 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में भी डिपॉजिट करोगे, अगर आपका डिपॉजिट 80,000 हो जाता है तो आपको Realme Narzo N55 मिल जाएंगे, फिर Samsung का MO4 मिल जाएंगे आपको 60,000 पे, नीचे आपको और भी इनाम्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब डिपॉजिट ऑफर में आपको बहुत सारे इनाम्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, एक तो रियल कैश, दूसरा आपको यहाँ पे डिपॉजिट लीडर बोर्ड में भी अच्छे खासे गैजेट्स मिल जाएंगे। अब आइए दोस्तों बात करते हैं अपनी YouTube फैमिली को लेकर, जहाँ पे आपको दिख जाएंगे 1,11,000 सब्सक्राइबर। वहाँ पे अगर आपने अपना नाम अभी तक अंकित नहीं किया हुआ है तो भाई साहब YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैच टाइम है 7 बजे। अगर हम बात करेंगे डिपॉजिट ऑफर को लेकर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इस वीडियो में हम किस किस चीजों को लेकर बात करेंगे, विनिंग परसेंटेज, पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, एवरेज स्कोर, टॉस रोल, टीम न्यूज, पॉसिबल प्लेइंग 11, टीम एनालिसिस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा जीएल मिनी जीएल लवर के लिए, फिर स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर्स, फिर थ्री मार्की बैट्समैन, 3 मार्की बॉलर, लास्ट मैच दोनों टीम का देखेंगे प्लस लास्ट बैटल दोनों टीम का देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फैंटेसी टीम ड्रीम 11 का और बाकी सारे आपका भी, फिर हम आपको बताएंगे 5 कैप्टन VC के पेयर, मीन्स 5 कैप्टन VC का मैं नाम बताऊंगा जो आपको मिनी जीएल जीएल में ज्यादा बूस्टअप करेगा अच्छा रैंक लाने में। अब देखिए दोस्तों 12 से 15 मिनट की वीडियो होंगी और 13 टॉपिक को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आइए हम फटाफट बात करते हैं विनिंग परसेंटेज को लेके। समरसेट के विनिंग चांसेस हैं 60%, सरे के विनिंग चांसेस हैं 40%। सरे को बहुत बड़ा झटका लगा है सुनील नारायण के रूप में, वो आपको खेलते नहीं दिखेंगे। बात करें वेन्यू को लेकर, बर्मिंगम एजबेस्टन इंग्लैंड में मुकाबला होगा जो कि बैलेंस विकेट है, जहां पे स्पिनर्स के पास अच्छी एज होंगे प्लस बैटर यहां पे एंजॉय करते हैं। वेदर रिपोर्ट, लाइट रेन के चांसेस हैं, बेस्ट सुटेड फॉर स्पिनर्स होगा। एवरेज स्कोर लास्ट 5 T20 मैच में बात करूं तो 167 है और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर को लेकर बात कर लेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा 175 का।
अगर हम बात करेंगे टॉस रॉयल को लेकर, टॉस विनर्स ऑफ टू बैट फर्स्ट लास्ट के 5 में से 3 दफा ऐसा हुआ है जो टीम टॉस जीता उसने पहले यहां बल्लेबाजी प्रीफर की है, और टीम बैटिंग फर्स्ट जो किया उसने 5 में से 3 दफा विन भी किया हुआ है। अगर हम बात करेंगे लास्ट के 5 T20 मैच में दोनों टीम का प्रदर्शन को लेकर, समरसेट लास्ट के 5 के 5 मैच विन करके आ रहे हैं, सर्डे की टीम विन लॉस 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 और विन करके आ रहे हैं। न्यूज को लेकर बात कर लेंगे, टॉम करन जो है सुनील नारायण को रिप्लेस करेंगे, और बड़ी बात टॉम करन आपको एज ए बैट्समैन खेलते दिखेंगे, गेंदबाजी करने के चांसेस अभी तक मैंने जो भी आर्टिकल्स पढ़े कहीं भी मेंशन नहीं है कि टॉम करन गेंदबाजी करेंगे। अगर हम बात करें पॉसिबल प्लेइंग 11 समरसेट का विद बैटिंग ऑर्डर, बेंटन स्मिथ, कैडमोर टी, उसके अलावा टॉम एबल, सिन डिक्सन, ग्रेगरी बेन, यहाँ पे बेन ग्रीन, ओवरटन, हेनरी, इस्वर्डी और आपको दिख जाएंगे जैक ब्रुक्स। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पॉसिबल प्लेइंग 11 सर्रे का विद बैटिंग ऑर्डर, विल जैक्स, उसके अलावा आपको दिख जाएंगे इवेनस, जेसन राय, सैम करन, टॉम करन, ओवरटन, सीन एवर्ट, जॉर्डन, जे स्मिथ, मॉरिएटी और आपको दिख जाएंगे जी एक्टिंसन। ध्यान रखिएगा अगर इस टीम का टॉप ऑर्डर 2 विकेट या 3 विकेट जल्दी जाता है तो जे स्मिथ आपको सीधा टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते नजर आ जाएंगे। अगर हम बात करेंगे टीम एनालिसिस को लेके तो आपको दिख जाएंगे टीम ओपनिंग जो है ना वो दोनों टीम का मुझे बैलेंस दिख रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग है समरसेट का, स्ट्रॉन्ग है सरे का। मिडिल ऑर्डर दोनों टीम का लाजवाब है, वेरी स्ट्रॉन्ग है समरसेट का और सरे का। मैं मानता हूँ सैम करन हो, टैम करन हो, जे स्मिथ हो, ये लोग बल्लेबाज ऐसे हैं कि 20-30 बॉल में 30-40 आराम से करेंगे, लेकिन ऐसे प्लेयर के ऊपर आप एज ए प्योर बैट्समैन वाला दौ नहीं लगा सकते हो। बैटिंग डेप्थ दोनों टीम की स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे इनके तरफ से सीन एवर्ट आ जाएंगे सरे की तरफ से, फिर आपको दिख जाएंगे क्रिस जॉर्डन के रूप में भी एक अच्छे फिनिशर हैं इनके पास। सामने वाले टीम को अगर आप ध्यान दोगे तो भाई सब समरसेट के पास बेन ग्रीन होंगे, उसके अलावा होंगे यहाँ पे लुइस ग्रेगरी, इनके पास भी बैटिंग डेप्थ है। स्पिन बॉलिंग समरसेट के पास है, स्पिन के अटैक में इस्वर्डी, इनके पास जो है अब स्पिन थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएंगे, डी मॉरिएटी आपको दिखेंगे और विल जैक्स आपको दिख सकते हैं क्योंकि सामने वाले टीम के पास लेफ्टीज हैं। अगर हम बात करेंगे पेस बॉलिंग को लेकर तो स्ट्रॉन्ग है समरसेट का और सदे का जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग है। बात करेंगे स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर, समरसेट की तरफ से आपको दिखेंगे ओवरटन, जैक ब्रुक, जैक ब्रुक का स्पेल कम हो सकता है। बात करेंगे सरे की तरफ से सीन एवर्ट, सैम करन दिख जाएंगे। अगर हम बात करेंगे सामने वाले टीम में डेथ बॉलर मीन समरसेट की तरफ से कौन डालेगा तो आपको दिख जाएंगे वहां पे बेन ग्रीन, मैट हेनरी, कभी कभार मैंने देखे कि लुइस ग्रेगरी भी डेथ में गेंदबाजी करने आ जाते हैं। बात करूं सरे की तरफ से क्रिस जॉर्डन और आपको दिख जाएंगे सैम करन। अगर हम बात करेंगे थ्री मार्की बैट्समैन को लेकर तो आपको दिख जाएंगे विल जैक्स, कैडमोर और विल स्मिथ। अगर हम बात करेंगे थ्री मार्की बॉलर को लेकर तो आपको दिख जाएंगे सैम करन, क्रिस जॉर्डन और मैट हेनरी। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं समरसेट सरे के बीच में जो लास्ट मुकाबला खेला गया, मीन्स लास्ट मुकाबला दोनों के बीच में नहीं, दोनों टीम जो लास्ट मुकाबला खेल के आ रहा है वहां पे किस टीम का कैसा प्रदर्शन है। सरे लंकशायर को फेंटी देके आ रही है, जहां पे सरे पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे लगाए थे 187 रन, जहां पे विल जैक्स किए थे 8, टूर्नामेंट में खूब रन बटोरे हैं। एली विनस भी टूर्नामेंट में अच्छा खासा रन किए थे 70, जेसन रॉय 50, सैम करन 17। ध्यान रखिएगा जब भी स्पिन ट्रैक वाली पिच होती है जेसन रॉय स्ट्रगल करते हैं। जिया बटन 21, उसके अलावा सी जॉर्डन 12 और सुनील नारायण यहाँ पे खेलेंगे नहीं। गेंदबाजी से बात कर लेंगे, विल जैक्स 1 में 13, सैम करन 4 में 35, डी मॉरिएटी 3 में 28 रन की विकेट, सीन एवर्ट 4 में 22 रन की विकेट, जबकि इनको एक और विकेट मिल सकता था, इनके बॉल में एक इजी सा कैच ड्रॉप हुआ था। सी जॉर्डन 4 ओवर 28 रन 2 विकेट, सुनील नारायण 4 ओवर 31 रन 1 विकेट। बात करूं यहाँ पे सामने वाली टीम जो होंगी कौन सी, समरसेट, वो नॉटिंगहम शायर को लास्ट मैच फेंटी देके आ रही है, जहाँ पे नॉटिंगहम शायर जैसे टीम को इन्होंने 157 पे रोका था। गेंदबाजी में ओवरटन 4 ओवर 23 रन 2 विकेट, मैट हेनरी 4 ओवर 27 रन 1 विकेट, कभी कभार ओवरटन का भी एक आध ओवर का स्पेल कम हो जाता है। जैक ब्रुक 1 में 13, उसके अलावा इस्वर्डी 4 में 22 रन 0 विकेट, लुइस ग्रेगरी 4 में 33 रन 2 विकेट, बैक टू बैक 2 मैच से अच्छा स्पेल डाल रहे हैं। बेन ग्रीन 3 ओवर 38 रन 1 विकेट। बात करूं बल्लेबाजी में टॉम बेंटन 6, स्मिथ 22 रन, कैडमोर 0, टॉम एवल 26, सिन डिक्सन 4, ग्रेगरी 57 और बेन ग्रीन, ग्रेगरी ने हारा हुआ मैच को यहां से बचा लिया था। तो क्या हमारे कैप्टन वीसी के मटेरियल होंगे उसको लेके भी हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। अब दोस्तों मैं आप लोग को यहां पे एक टास्क दूंगा, क्योंकि अगर मैं वीडियो में वो सब चीज़ें बताऊंगा तो और भी ज़्यादा वीडियो बन जाएगा लंबा। तो 30 जून और 16 जून को दोनों टीम, मीन समरसेट की टीम और सरे की टीम आमने सामने आई थी, उसको एक बार आप लोग जाके जो है देख लीजिएगा कि आपसी बैटल वाले मैच में कौन से टीम अच्छा प्रदर्शन किए हुए थे, कौन से प्लेयर अच्छा प्रदर्शन किए हुए थे। मैं बता दूं दोनों के दोनों मुकाबले सरे की टीम विन किया हुआ था, आप लोग एक बार जाके उसको जरूर विजिट कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेके। अब दोस्तों यहां पे हम जाएंगे, अब देखेंगे अपनी फैंटेसी की टीम।
अगर हम यहाँ पे जाएंगे थोड़ा सा नीचे और तो आपको देखने को मिल जाएंगे, आज शाम 7 बजे खेला जाएगा मुकाबला समरसेट वर्सेस सर्रे के बीच में, जाएंगे विकेट के पीछे, टॉम बेंटन को हम लेके जाएंगे। टैलेंट बेसिस पे जे स्मिथ किसी से कम नहीं है, मिनी जीएल जीएल में आप इनको बैक कर सकते हो। बात करूँ बैटिंग से, कैडमोर, विल जैक्स, इवेनस स्मिथ, जेसन रॉय, सारे के सारे अच्छे प्लेयर हैं, किसको लोगे किसको नहीं लोगे? तो अगर आप सामने वाली समरसेट से लेते हो क्रेग ओवरटन को, तो फिर आपको यहाँ से एक बल्लेबाज को ड्रॉप करने पड़ सकते हैं। मैंने अभी क्या किया है, मैंने यहाँ पे इवेनस स्मिथ, जेसन रॉय, इन तीनों को अभी के लिए हटाया है। मैं लूंगा एक बल्लेबाज, क्योंकि मुझे 3 बल्लेबाज लेने ही होंगे, किसको लूंगा उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। ऑलराउंडर से सैम करन, बेन ग्रीन, ल्यूस ग्रेगरी, उसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप सामने से लेते हो एलिवेनस को, तब तो आप जो है क्रेग ओवरटन को मत लेना। अगर आप सामने से इवेनस नहीं लेते हो, फिर आप क्रेग ओवरटन ले लेना। मैंने अपने दौ लगाए हैं सीन एवर्ट के ऊपर। बात करूं बॉलिंग से, नारायण नहीं खेलेंगे, 82% जनता लिए हैं। हेनरी को ट्राई कीजिए, क्रिस जॉर्डन को ट्राई कीजिए, उसके बाद जी ओवरटन गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं आप यहाँ पे, मैं बोलूंगा रिस्क लो इस सोडी के ऊपर। इनके अलावा मुझे यहाँ पे कोई अच्छा पिक नजर नहीं आ रहा है। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो जी एक्टिंसन को, विकेट टेकर गेंदबाज माने जाते हैं, जब जब कप्तान को विकेट की जरूरत पड़ती है एक्टिंसन के पास जाते हैं, ये विकेट लेके देते हैं। हमारा 10 प्लेयर हो गया। अब लास्ट प्लेयर यहाँ पे मैंने जो है क्रेग ओवरटन को नहीं लिया है, तो मैं जाऊँगा एल इवेनस के साथ। बात करूं फाइनल टीम प्रीव्यू को लेकर, जो कि आपके सामने में है, टॉम बेंटन, कैडमोर, विल जैक्स, इवेनस, सैम करन, बेन ग्रीन, ग्रेगरी, सी नेवट, मैट हेनरी, सी जॉर्डन और इज सॉरी। अब दोस्तों ये हमारा जो टीम है ना, वो सारे ऐप पे मैं सेम टीम के साथ खेलने वाला हूँ, चाहे वो ड्रीम इलेवन हो चाहे दुनिया के कोई भी ऐप हो, और हमारे जो है सारे ऐप के लिए हमने जो क्राइटेरिया वो फुलफिल कर लिए हैं। बात करूँ कैप्टन बीसी को लेके, तो मैंने आपको कैप्टन बीसी के 5 ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी दे रखे हैं, सैम करन, कैडमोर, बेन ग्रीन, विल जैक्स और लुइस ग्रेगरी। इन 5 में से आप किसी 2 को कैप्टन बीसी दे के जा सकते हो। अभी के लिए मैंने कैप्टनसी का आभार सौंपा है यहाँ पे सैम करन के ऊपर। वीसी मैं सोच रहा हूँ किसको दूँ किसको ना दूँ, तो अभी मैंने वीसी जो है वो बनाए सीन एबट को। बाकी टॉस का इंतजार करेंगे, टॉस के बाद जो भी बदलाव होगा वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटे से काम करने होंगे, इसी वीडियो के जाने होंगे कमेंट सेक्शन में, सबसे टॉप कमेंट में आपको दिखेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके आप सभी भाई को वहां पे ज्वाइन कर लेना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जीएल जरूर ज्वाइन कीजिएगा।